आपने बॉलीवुड में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, टेले सीरियल्स, थिएटर, हर तरह के लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेजेस का, एंड ऑब्वियसली हॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, थिएटर एंड सीरियल्स. व्हाट इज द डिफरेंस इन द मेकिंग ऑफ द क्रिएटिव वर्क ऑफ आर्ट, जो मेन डिफरेंस आपको नजर आता सी है? जब मैं, ऑनेस्टली जी. हाँ नहीं, ऑनेस्टली बताया जाए तो जब मैं गांधी करके वापस आ गई, और कुछ डायरेक्टर्स ऐसे थे जो बहुत ही डिसिप्लिन होते थे, लेकिन ये जो कमर्शियल हिंदी फिल्में होती थी उसमें ना स्क्रिप्ट रेडी होता था, यानी रेडी उनके पास होता होगा, वो हमको नहीं दिया जाता था कि स्टोरी डिस्क्लोज नहीं करनी है, स्टोरी चुरा लेते हैं ऑन दैट प्रीटेक्स्ट, तो पूरा स्क्रिप्ट कभी हमको मिला नहीं है शुरू शुरू में। आजकल ये होता है कि आजकल पूरा स्क्रिप्ट, उस पे काफी सारे ड्राफ्ट्स बन जाते हैं और फाइनलाइज स्क्रिप्ट होता है, उसके बाद वो पूरा स्क्रिप्ट भी पढ़ने के लिए एक्टर को दे देते हैं विद द नोट कि हम कहीं पे उसको वो नहीं करेंगे, आई मीन वो विच इज ऑब्वियस। लेकिन आजकल ये ऐसे होता है बिकॉज आई थिंक जो वर्किंग है हॉलीवुड का या वहां के लोगों का, वही वर्किंग एडॉप्ट कर रहे हैं, तो शायद वो अभी धीरे धीरे यहाँ पे उतर रहा है, वेरी लेकिन इंटरेस्टिंग. शुरू शुरू में ये नहीं होता था। यानी मुझे स्टोरी बताते वक्त स्टोरी बताते थे और फिर क्लाइमेक्स ऐसे बताते थे, क्लाइमेक्स क्या होता है क्या नहीं होता है कुछ नहीं बताते थे। कभी कभी ये भी होता था कि ऐसी स्टोरी बताते थे कि ऐसे लगता था कि मैं ही हीरोइन हूँ इस फिल्म और फिर मैंने पूछा कि अच्छा इतना सब है, आपको डेट्स कितने चाहिए? 8 दिन चाहिए। मैंने कहा 8 दिन में पूरी फिल्म बता कर देंगे आप? तो नहीं जी, आपके 8 दिन चाहिए। मैंने कहा ऐसे बोलिए ना, आप बता रहे हैं कि मैं हीरोइन हूँ। ऐसे भी कभी कभी हुआ है। तो जी एनीवे, बट इस टोटल कमर्शियल फिल्म्स जो होती हैं, और राइट. कभी एक दो दिन का काम कभी नहीं किया है, एक सब्सटेंशियल रोल होगा तभी मेरे पास आ जाइए, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी, ऐसा बोला जी गया। तो मुझे, मैंने ये सुना है कि वहां पर बाउंड स्क्रिप्ट पर ज्यादा काम करते हैं, रिसर्च में ज्यादा टाइम लगाते हैं और शूटिंग में कम टाइम लगाते हैं. तो दे गिव अ लॉट ऑफ डिटेल्स एंड टाइम टू दीज थिंग्स, बट वी आर डूइंग जस्ट द ऑपोजिट. आर रिसर्च इज लेस एंड आर शूटिंग गोज ऑन फॉर एजेस. सो इज दैट ट्रू? इज दैट ट्रू? मेरे इंसिडेंट बताती हूँ। मेरी पहली कमर्शियल फिल्म जख्मी शेर, मैंने कहा ना जो जितेंद्र की माँ का रोल मुझे मिला था। अच्छा, अब उसमें ये होता है कि वो एज यूजुअल यंग टू ओल्ड वगैरह था, और शुरू हुई, जितेंद्र बड़ा मिलिट्री में अधिकारी है, ऐसे स्टार्ट होती है, मैं उसकी माँ हूँ। अच्छा, मेरा पति नहीं है, फिर भी मैंने मंगलसूत्र पहना है, बिंदी लगाई है, और फिर भी पति नहीं है, और फिर मैंने पूछा कि ये ऐसा क्यों? हाँ नहीं, वो डायलॉग्स में आ जाता है कि असल में वो नहीं है, मैं उनको मरा हुआ मान के चल रही हूँ, लेकिन समाज के लिए मुझे ये करना पड़ता है वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, मेरा जो बैकग्राउंड फ्लैशबैक था उसमें, जहां पे मैं अपने पति को ट्रेटर है इसलिए घर से मैं निकाल देती हूँ, ऐसा कुछ है, तो उस वक्त मेरे हाथ में एक छोटा बच्चा है, एक छोटी बच्ची है मेरी, और ये बड़ा वाला छोटा जितेंद्र, ऐसे तीन बच्चे हैं, एक बच्चा गोद में है, इतना है, मैं उसको निकाल देती हूँ और फिर ये लोग बड़े हो जाते हैं। अब ये बड़े होते हैं तो कम से कम जितेंद्र ने 10 या 12 साल का होना चाहिए, और वो ऑफिसर बना है। ऐसा हो सकता है क्या कि ये अपने बाप का चेहरा भूल जाएगा? लेकिन वो बाप सामने आता है तो वो पहचानता नहीं उसको। ये एक, मैंने कहा ओके ये एक है।
दूसरा, हम बहुत बड़ी हवेली में रह रहे हैं। मैंने कहा, मैंने अकेले ने इन सबको वो किया है, बड़ा किया है, और इतनी बड़ी हवेली, एक मेजर या कैप्टन या मेजर के पास इतनी बड़ी हवेली होगी, और वो आपको पता है जो सेट की हवेली होती है ग्रैंडियर दिखाने के लिए, वो है। तो बिल्कुल मैंने एक दिन मेरे असिस्टेंट से पूछा, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, तो वो एकदम चुप हो गया, निकल गया। 15 मिनट के बाद आ गया और बोलता है, नहीं जी वो स्क्रिप्ट में नहीं आता है, छोड़ दीजिए उसे। मैंने कहा स्क्रिप्ट में नहीं आता है, छोड़ दीजिए। मैंने कहा ओके, और उसके बाद मैंने कभी भी सवाल नहीं पूछे किसी से। मैंने कहा जवाब तो नहीं मिलने वाले हैं, सिर्फ ऐसी जो पैरेलल फिल्में हैं, आई मीन बहुत तरीके से बना रहे हैं, उनको मैं सवाल पूछती थी कि ये क्या, और उनके पास जवाब भी होते थे। जवाब भी लेकिन होता ये सोचते ही नहीं है, सही। आई मीन ये मेरी ये स्टोरी है और ऐसे जाना चाहिए, फिर उसके लिए क्या क्या है, ऐसा उस कैरेक्टर की वजह से स्टोरी बनती है ना, ये स्टोरी के लिए कैरेक्टर लिखते हैं, ये उल्टा उल्टा मामला होता है, ऐसा मैं समझती हूँ। आई मीन पुराने जमाने में होता था शुरू शुरू में, लेकिन आजकल तो बहुत, आई मीन आजकल काफी रिसर्च होता है, काफी उसमें होमवर्क होता है, काफी बार रीराइट किया जाता है, काफी अच्छा स्क्रिप्ट आजकल बनने लगा है। आपको लगता है कि जैसे अभी सिनेमा हॉल्स बंद हैं, अभी ओटीटी का नया प्लेटफॉर्म आ गया है, टेलीविजन सीरियल्स लोग इतना देखते हैं, बट डू यू थिंक ओटीटी इज द फ्यूचर? और वुड यू स्टिल लाइक टू गो योर फिल्म्स टू द सिनेमा हॉल्स, पीपल शुड कम एंड वॉच? कुछ इस तरह की फीलिंग आती है, ये लगता है कि हाँ चलो ठीक है, जो है वो चाहे डिजिटल मीडियम बेटर है। हाउ डज इट नहीं, फील? ओटीटी का तो ऑप्शन है अब लोगों के पास, लेकिन मुझे लगता है फिर भी लोग सिनेमा हॉल्स को नहीं भूलेंगे, भूलेंगे नहीं। क्योंकि मैं अपना बोल रही हूँ, कम से कम मैं बहुत कम अकेले बैठ के सिनेमा देख पाती हूँ। एक सीरियल का आधा घंटा ओके, वो मिस हुआ है तो ठीक है, इवन सीरियल के उस टाइम पे वो एपिसोड देखना मुझे पसंद है, वो जो पहले आता है ना ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, आज शाम का जो एपिसोड है वो आज सुबह में देखने मिलता है, वो मैं वो भी नहीं चाहती हूँ। वो टाइम मैंने असाइन किया है तो उस टाइम पे मुझे देखना है, शायद ये मेरा वो होगा। लेकिन और दूसरी बात, मैं फिल्म अकेले नहीं देख सकती, वो एक मेरी प्रॉब्लम है। कुछ फिल्में, यानी कुछ फिल्में मैंने हफ्ते हफ्ते में देखी है, आज 15 मिनट देखी, नहीं यार ये अब नहीं मैं ले सकती, चलो मैं ये बंद कर देती हूँ अभी। हाँ अभी हिम्मत बढ़ाई है, और ये फिल्म थिएटर में ऐसा नहीं होता, आपको पूरा एक्सपीरियंस एक साथ मिल जाता है, दैट इज वेरी, और साथ में फिर वो एक दूसरे से कमेंट करना, ये करना वो, आपके पास होम थिएटर है तो आप 4 लोग बैठ के देख सकते हो, लेकिन सिर्फ लैपटॉप पे मैं देख रही हूँ तो मजा नहीं आता है। तो मेरे जैसे लोग सही बात होंगे, काफी लोग होंगे जो सर। जाना पसंद करते हैं। आपके जैसे बल्कि ज्यादातर लोग हैं, वो बहुत कम लोग हाँ हैं जो जिनका फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल्स में जॉब है, उनको सिर्फ रात मिलती है देखने के लिए या सुबह ही मिलती है। देखिए, मैन इज अ सोशल एनिमल, दे हैव टू कम आउट एंड हैव टू बी टुगेदर। तो जो टुगेदरनेस की बात है और दूसरी अब एक बात मुझे हमेशा लगती है कि अब हर सब्जेक्ट का एक अपना क्या कहते हैं, हर कोई सब्जेक्ट आप ओटीटी में नहीं देख सकते, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आप थिएटर में ही बैठ के मजा आता है जा, वो ओटीटी पे मजा ही नहीं आता है उसका। ऐसी भी फिल्में हैं जो ग्रैंडियर होता है, वो जैसे 60 mm पे या 70 mm, 60 mm बोल रही हूँ, 70 mm पे हमने फिल्म देखी है, तो उसका जो मजा है वो
आप कितना भी होम थिएटर में देखो, होम थिएटर में भी नहीं मजा आता है उसका। बिल्कुल नहीं, सही कह रहे हैं। हम लोगों को आदत है सबको शेयर्ड को एग्जिस्टेंस की, एक सिंक्रेटिक कल्चर में रहने की और एक गंगा जी जमुनी तहजीब में भी रहने की। तो मैं ये चीजें इसलिए भी ऐड कर रही हूँ कि एक्चुअली मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि आवाज द वॉइस जो ये चैनल है उसकी एक कोशिश भी है कि हम लोग वी विल नॉट डू एनी पॉलिटिकल मडस्लिंगिंग, नो कंट्री बैशिंग, नो पीपल बैशिंग। हम लोग सिंक्रेटिक कल्चर की बात करेंगे, शेयर्ड को एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, गंगा जमुनी तहजीब की बात करेंगे। तो मैं ये जानना चाह रही थी दो चीजें। एक तो ये है कि मैं देख रही हूँ कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर गाहे बगाहे कुछ मैं डिवाइड देख रही हूँ। मतलब इतना भले ही बहुत ज्यादा ना हो, बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं कि नहीं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है जितना वर्चुअल में, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन लोग कुछ लोग कहते हैं कि हाँ डिवाइड आ रहा है और वो विजिबल है और ये बड़ी तकलीफ देह है। ये शेयर्ड को एग्जिस्टेंस को इट डजंट फेवर द शेयर्ड को एग्जिस्टेंस। पहला मेरे आपसे ये सवाल था कि आप उसको किस तरह से देखती हैं। डू यू थिंक द फिल्म इंडस्ट्री इज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसिंग ए गैप, नंबर वन, एंड सेकेंड बिकॉज द चैनल इज लाइक दिस। अच्छा मैं ये वाला सवाल इसके बाद में करती हूँ आपसे। डू हाँ, यू फाइंड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ए काइंड ऑफ एक्सपीरियंसिंग ए गैप इन गंगा जमुनी गैप तहजीब इन पीपल, बात गैप इन करेंगे? पीपल यू आर सेइंग, गैप वो इन पीपल। जैसे सिंथेटिक कल्चर एक होता था, एक शेयर्ड हाँ, को एग्जिस्टेंस होती थी, आपको लगता है ये गैप आया है क्या? इज इट ट्रू दैट देर इज ए गैप? आई थिंक ये गैप मेरे ख्याल में पूरे सोशल सिस्टम में आया है, क्योंकि आजकल अभी दिवाली चल रही है, अभी ऐसे ऐसे पोस्ट आ रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि हम बचपन में दिवाली 20 दिन पहले ही हमारी स्टार्ट हो जाती थी, वो आजकल स्टार्ट नहीं हो रही है। नो, ये सोशली ही गैप आया है, एंड यू कांट हेल्प इट, यू कांट हेल्प इट। क्योंकि जैसे मेरी हमारे हमारे घर में मिठाई बनाने के लिए हमारे पड़ोस के भी लोग आंटी जी आती थी, और मेरी माँ चली जाती थी उनके पास, उनकी मदद करने के लिए, वो हमारी मदद करने के लिए आते थे। फिर ये ऐसे सिर्फ दे के, कुछ स्वीट्स दे के बात नहीं बनती थी, हम उनके घर फराड़, हम फराड़ मराठी में फराड़ बोलते हैं, हम उनके घर जाते थे फराड़ खाने के लिए, वो हमारे घर आते थे। आजकल ये भी नहीं हुआ है। आजकल कंदिल, आकाश कंदिल जो बोलते हैं, वो मिल जाते हैं, वो तैयार करना वो नहीं होता है। महाराष्ट्र में वो किले बनते थे, यानी एक पैनोरमा जैसा, यानी शिवाजी महाराज का किला, किला यानी क्या, वो एक मट्टी का ढेर बनाते थे, उसमें ऊपर शिवाजी महाराज को बिठाते थे और कुछ एक छोटी छोटी डॉल्स आजू बाजू में वो करके, वो हमारा किला हो गया, उसमें एक फ्लैग फड़काते थे। नो, फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ करने में वो मजा था, और वो 20 दिन की छुट्टियां ऐसे हमारी जाती थी, पर आजकल छुट्टियां ही कम होती जा रही हैं। और आजकल मेरे ख्याल में न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से वो भी शेयरिंग भी बंद हो गया है, कि एक पैकेट लिया मिठाई का, सब लोगों में बांटा, तो हमारी दिवाली हो गई। क्या बात, ये थोड़ा सा ये क्या हो रहा है अभी, ये जी, फ्लैट का कल्चर है। मे बी जो चार्ल्स, सो कॉल्ड चार्ल्स हैं, यानी वहां पे अच्छी अच्छी फैमिलीज रहती हैं, किसी इसका पुरानी रीजन का किसको मानती हैं? सॉरी टू कट यू इन अ वे, नहीं, मेरे व्हाट डू ख्याल यू थिंक इज द रीजन फॉर ऑल सच अ बिग गैप? मतलब रिलीजन ये बेस्ड गैप भी है, आइडियोलॉजी बेस्ड गैप है, जो कि कम से कम फिल्म इंडस्ट्री में तो नहीं होना चाहिए। देर आर पीपल हु आर रिलीजन से सेइंग मुझे दिस। नहीं लगता है, क्योंकि हमेशा रिलीजन को भी हम जोड़ के रखना चाहते हैं। जो हमारे मुस्लिम दोस्त है, वो हम उनको ईद की बधाइयां देते हैं, हमारे यहाँ शीर कुर्मा आता है वगैरह, वो तो है, हम मानते ही हैं, मनाते नहीं होंगे लेकिन हम उनको वो दे देते हैं। वो मेरे ख्याल में धर्म के इस पे नहीं, मेरे ख्याल में टाइम और जो रेस चल रही है, यानी अगर छुट्टी है तो वो करना जरूरी है, वो हम करेंगे तभी
वो शेयर करेंगे। अच्छा नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है ना, तो मैं मंगा लेती हूँ, मैं ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ, यानी चकली मैं मंगा लूंगी। मैं घर है इसलिए मैं चिवड़ा बनाऊंगी, जो बहुत आसान है वो मैं घर पे बनाऊंगी, जो डिफिकल्ट है वो मैं बाजार से मंगाऊंगी। ये थोड़ा सा वो चल रहा है कि मे बी वो अभी भी बहुत सारी औरतें खुद करती हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ज्यादातौर पे ये होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी नौकरी है, घर पे आके मैं थक जाती हूँ। अब थक के मैं कहाँ, और दिवाली की छुट्टी मुझे नहीं मिलेगी, 5 दिन की छुट्टियां कौन देगा मुझे, मेरी सारी कैजुअल्स खत्म हो जाएंगी, यू नो। ये थोड़ा सा होता है, वो उसकी वजह से होगा शायद, वो एक एक मेन कारण है कि ये जो तैयारियां हैं, जो शेयरिंग वाली तैयारियां हैं कि मैं आपके घर आऊं आप मेरे घर आओ, ये है, यो ये नहीं बन रहा है वो उसकी वजह से कि अरे मैं उसको वेदर आई एम यू नो उनकी प्राइवेसी पे मैं डाका डाल रही हूँ, क्या प्राइवेसी देने के लिए, यानी हमारी स्पेस हमको दे दो, ये जो बात है स्पेस वाली बात है, शायद उसकी वजह से होगा कि मैं अगर अचानक उनके पास जाऊं, हाँ कैसे हैं आप, क्या हैं, देखो उनके पास मैं कुछ होना लेकिन चाहिए क्या। पुराने जमाने में वो होता था, बिना अनाउंस अनाउंस किए मैं चले जाते थे हम किसी से मिलने, आजकल फोन करते करके आप हो घर पे हम आ रहे हैं, ऐसे अनाउंस करना पड़ता जाके खड़े नहीं रह जाते हम आजकल, वो भी एक बात आजकल हो रही है, अनाउंस्ड आप नहीं जा सकते हो कहीं पे। हाँ भाई, ये बाय प्रोडक्ट ऑफ एक तरह से मेट्रो लाइफ, बिजी लाइफ, फर्क तो पड़ता ही है, यू कांट हेल्प इट। और इसी से गैप्स भी आते हैं जी। मैं आपसे ये बता रही थी कि आवाज द वॉइस टू चैनल स्टार्ट किया, इनकी कोशिश ये है कि हम पॉलिटिकल मडस्लिंगिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिंथेटिक कल्चर की बात करेंगे, गंगा जमुनी तहजीब की बात करेंगे। तो ऐसे चैनल के लिए आपका कोई मैसेज या कोई संदेश या कुछ आपको लगता है कि आपको कुछ कहना चाहिए ऐसे चैनल को? नहीं, पॉलिटिकल कोशिश तो ये मैं हो नहीं रही है, बात करना चाहती हूँ, जी सॉरी, कोशिश सॉरी। ये हो रही है कि नेगेटिव में से भी इस पॉजिटिव निकाला जाए, और जो इतना कुछ हो रहा है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो बीमारियां हो, या आइडियोलॉजीज के डिफरेंसेस हो जो बहुत ज्यादा क्लियर दिखने लगे हैं, चाहे गवर्नमेंट का कुछ हो, दे हैव नथिंग टू डू विद इट, उनको ये है कि नेगेटिव में से पॉजिटिव निकाल के लाओ, सिंथेटिक कल्चर, शेयर्ड कोएग्जिस्टेंस, गंगा जमुनी तहजीब, प्यार मोहब्बत को प्रमोट करो। तो वुड यू लाइक टू से समथिंग फॉर चैनल मुझे लाइक मुझे दिस? लगता है अल्टीमेटली सारी बातें आर्ट नमक की है खुद पे, ऐसा मैं सोचती हूँ। हम अपने आप को बदलें, हम क्या कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, यानी ऐसे होता है कहीं पे आपको करप्शन दिख रहा है और मेरे अकेले बोलने से क्या होगा, नहीं बोलो, कम से कम व्यक्त हो जाओ, और वो व्यक्त होना ही मेरे ख्याल में किसी दूसरे को हिम्मत देगा, तो वो आ जाएगा सामने, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, एंड जो आपको चेंज चाहिए वो खुद से शुरू करो, ऐसा मैं हमेशा समझती हूँ कि अगर मैं सही हूं तो मेरी आवाज उतनी चाहिए कि मैं सही हूं, अगर मैं गलत हूं तो भी माफी मैंने मांगनी चाहिए कि मैं गलत हूं, और आपको समझना चाहिए कि आप गलत हैं या सही, यानी मैं गलत हूं तो मैं माफी कैसे मांगू, मैं नहीं, आप बोल दीजिए कि नहीं मैं गलत थी, आई एम सो सॉरी, ये हो गया। तो अल्टीमेटली बात खुद पे आती है कि आप कैसा बर्ताव करते हैं, और वो बर्ताव मेरे ख्याल में यंगर जनरेशन में आपकी वजह से इनसीपन होगा कि मेरे पेरेंट्स ने ये किया है तो मैंने भी यही करना चाहिए, ये भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में अल्टीमेटली इट्स यू विच इज हु इज इम्पोर्टेंट, नॉट अदर। बहुत अच्छी बात कही आपने। वैसे मैं आपसे लास्ट में पूछूंगी कि आवाज द वॉइस के लिए क्या आपके पास कुछ विशेज हैं, तो आप सोच लीजिए अगर है तो क्या आवाज द विशेष? वॉइस जी, इन केस यू फील दैट यू, बिकॉज ये कोशिश है और इस कोशिश में कितने कामयाब होते हैं ये देखना होगा।
क्योंकि या तो इस तरफ रहो या तो उस तरफ रहो, ज्यादातर मीडिया में यही चल रहा है। हमारा यह है कि नहीं, बीच में रहना है, दोनों को साथ में लेके चलना है, कोशिश कर रहे हैं। वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट दैट? जी नहीं, वो तो सबको साथ में लेके चलना ही चाहिए, नहीं तो अकेले आप जा नहीं सकते अकेले। और अकेले अगर गए तो इम्पैक्ट कितना, अगर 10 लोगों का जो इम्पैक्ट होगा वो अकेले का इम्पैक्ट नहीं होगा। और सम विचार के जो लोग हैं वो इकट्ठा आए तो कुछ ना कुछ बन पाएगा, ये मैं सोचती हूँ। बहुत अच्छी बात कही। और लॉकडाउन के दौरान आपने अपना ये वक्त कैसे गुजारा? थिएटर वॉज क्लोज्ड, देयर वर नो पीपल, वर नॉट कमिंग आउट, देयर वर नो वर्क, देयर वॉज नथिंग हैपनिंग। हाउ डिड यू या स्पेंड दैट टाइम एक्चुअली? एक्चुअली घर पे ही हम अपना अपना ही काम कर रहे थे, और कैसे दिन चला जाता था सच्ची में पता नहीं चल रहा था हमको, मुझे तो नहीं पता चल रहा था। क्योंकि उठो, घर का काम करो, रसोई बनाओ, फिर बाय टर्न रसोई बनाओ, आज ये बना, आज थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल बनाना है तो तुम बनाओ, देसी बनाना है तो मैं बनाती हूँ, से थोड़ा सा आज क्या बनाना है उस पे ही हम। तो उसके दौरान मैंने काफी आई लव कुकिंग, आई लव ट्राइंग डिफरेंट डिशेस, तो यूट्यूब काफी मेरा मित्र बन गया था कि कुछ भी बनाना बनाना है। आज आज भिंडी कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, चलो यूट्यूब निकालो भिंडी की सब्जी, वो उसमें मेरा काफी वक्त चला गया। काफी व्हाट डू कुक द बेस्ट? मैंने, आप जी सबसे अच्छा क्या हाँ जी, बनाती हैं? सबसे अच्छा क्या बनाती हैं कि आवाज की टीम पहुंचे आपके नहीं सबसे अच्छा ही नहीं, मेरा फेमस जो है वो राम केक फेमस है मेरा, मैंने उसको अडेप्ट किया है कहीं से, और वो मैं अच्छा बनाती हूँ। यानी हमारे प्ले के जो 100 परफॉर्मेंस, 200 परफॉर्मेंस, 150 परफॉर्मेंस, तो जब होता है तो मुझे याद दिलाया जाता है कि रणी बहन परसों हमारा 100 परफॉर्मेंस है, राइट। मेरा राम केक चला जाता है वहां तो पे। क्रिसमस में, तो आपकी बड़ी डिमांड रहती होगी फिर, क्रिसमस आने वाला है आपकी। ये तो अपना अपना, मैं ऐसे बड़े पैमाने पर तो नहीं करती, लेकिन अपने अपने ग्रुप में जो मेरे अपने थिएटर के ग्रुप्स हैं, फिल्म के या टेलीविजन के जो ग्रुप्स हैं, उनके लिए मैं कभी पता चला कि बर्थडे है किसी का और मेरे पास वक्त होगा तो मैं जरूर लेके जाती हूँ वो। आपकी आपकी इतनी इतनी एक खूबसूरत लाइफ आपकी गुजरी। कम एज से आपने शुरू किया, टच वुड, आप mid 60s में बिल्कुल यंग और एनर्जेटिक तरीके से काम करी, लेकिन आपके जॉयज एंड सोरोज क्या रहे, आपकी लर्निंग्स क्या रही है पूरी इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन, थिएटर, वर्किंग इन हॉलीवुड? व्हाट आर द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट्स एंड व्हाट वर द मोस्ट डिप्रेसिंग मोमेंट्स? यू कैन टेक योर टाइम एंड टेल मी। वैसे नहीं, मैंने वैसे देखा जाए तो मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो ज्यादातर थिएटर के हैं, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम है मेरे फ्रेंड्स फ्रेंड्स। हाँ, काम करना और वापस आना मेरा ये थोड़ा सा वो था। दूसरा, जब जयदेव जी और मैं दोनों हम काम कर रहे थे तो कभी भी घर में हमने अपना काम नहीं लाया, कोई भी कुछ भी हो घर पे उसका असर नहीं हुआ है। यानी जो है वो दहलीज के बाहर, दहलीज से अंदर अपना घर है ये हमने। इवन जयदेव जी डायरेक्ट करते थे, मैं काम करती थी, हमने साथ में प्लेस किए, हमने घर पे कभी भी रिहर्सल्स नहीं की है। हम हमेशा रिहर्सल प्लेस पे जाके फिर वो डायरेक्टर होते थे, मैं एक्ट्रेस होती थी, घर पे आके पति और पत्नी होते थे हम। ये थोड़ा सा वो किया वेरी ब्यूटीफुल, हमने, थोड़ा सा। और मेरे ख्याल से वो अनरिटेल होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग उससे ज्यादा मेरे ख्याल में होती है कि जी। नहीं ये इस तरह से बाइफरकेट करो।
उन्होंने कभी मेरे मैंने किसी और के साथ काम किया है, उन्होंने मेरी मेरे काम में कभी दखल नहीं दी है। हाँ, वो मेरे प्लेस देखने के लिए आते थे और बाद में अच्छा बुरा कहते थे कि मुझे ये अच्छा लगा, ये बुरा है, ये मुझे प्ले अच्छा नहीं लगा, तुमने ये ठीक किया है लेकिन प्ले के बारे में, लेकिन ऐसे वो नहीं किया कि तुम ये करो वो करो। एज अ डायरेक्टर उन्होंने कभी वो नहीं किया, और मैंने कभी भी उनके प्लेस में अच्छा बुरा इतना ही कहा है। मैंने कभी उनको जाके ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा हैंडल करो, ये ऐसा करती है, ये गॉसिप्स कभी नहीं की। तो वो हमने डिफरेंस मेंटेन करके रखा था कि आप मेरे काम में नहीं दखल देंगे और मैं उनके काम में नहीं दखल दूंगा। हम अपना अपना जब इकट्ठा करते थे तो फिर वो, और बींग आई थिंक बींग डायरेक्टर्स एक्ट्रेस, मैंने कभी भी सवाल नहीं किए, सवाल इन द सेंस कभी किसी डायरेक्टर के साथ मेरा झगड़ा वगड़ा हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं अपना वो दे देती हूँ, मत देती हूँ, उनके साथ डिस्कस करती हूँ, अगर उनको मानना है तो वो मान लेते हैं, नहीं मानना है तो फिर अच्छा आप ऐसा कर रहे हैं, मैं ऐसा करती हूँ। ये थोड़ा सा वो होता है बहुत ज्यादा। और तीसरा, इस फील्ड में जो काम करो आप, ग्लैमर के लिए इस फील्ड में मत आओ, ऐसा मैं सोचती हूँ। ग्लैमर अपने आप आ जाएगा, आप पहले काम करो। आजकल के जमाने में थोड़ा सा अलग है, आपको मैंने ये काम किया है करके इंस्टा पर डालना पड़ता है, फेसबुक पे डालना पड़ता है, लेकिन हमने जब काम शुरू किया हमारा काम ही बोला है हमेशा। और सिर्फ इंस्टा पे आपके कितने फॉलोअर्स है, यानी आजकल ये होता है मैंने सुना है कि बिल्कुल, बहुत अरे बड़ी बुरी ये बीमारी दो है। लोग हैं उसमें से एक को ब्लू टिक है तो उसको काम दिया जाता है, जबकि वो दूसरा ओ आदमी बेहतर है उससे, फिर भी वो ब्लू टिक वाले को काम दिया जाता है। मुझे तो जी, क्या, ये आपका ट्रू, आपका आपकी काम की क्वालिटी भी उससे डाउन हो जाती है ना, तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? लेकिन ऐसा होता है आजकल। इसलिए मैं, मेरे फेसबुक पे मेरा अकाउंट है लेकिन हार्डली मैं फेसबुक पे होती हूँ, हार्डली मैं होती हूँ, नहीं तो यानी हर रोज इंस्टा पे कुछ ना कुछ डालने वाले लोग हैं। मैं क्यों डालू इतना, ऐसा मैं समझती हूँ। तो सोशल मीडिया, आई डोंट बिलीव सो मच ऑन इन सोशल मीडिया कि कुछ नया काम हुआ है, हाँ तो मैंने डाला है। अभी पैंडेमिक के बाद मैंने जब पहली बार हमने प्ले किया आफ्टर नियरली 1.5 ईयर्स, तो मैंने वो डाला कि अरे नाउ आई एम गोइंग ऑन स्टेज, आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड दैट आई एम गोइंग ऑन स्टेज, ये डालने वाली बात है। रोज रोज मेरे फोटोग्राफ्स देख के तंग आ जाएंगे लोग, ऐसा मैं सोचती ब्यूटीफुली हूँ। सेड। अब एक्चुअली मैं खुद भी इस चीज के क्राइसिस को फेस करती हूँ कि आपको इंस्टा पे इतने फॉलोअर चाहिए, फेसबुक पर इतना चाहिए, ट्विटर पे, यही करते रहेंगे तो काम कब करेंगे और काम की क्वालिटी कैसे बरकरार होगी? मुझे खुद उलझन होती है इन चीजों से। अनफॉर्चुनेटली करना पड़ता है लेकिन मैं मेंटेन नहीं कर पाती। आई डोंट पुट, नहीं, शायद मेरे कुछ नहीं तो मुश्किल से 8-10 पोस्ट होंगे जो पुराने। बट हाउ डू आई वर्क हार्ड इफ आई बिल्कुल नहीं ऑन द सोशल मीडिया? तो आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाह रही हूँ। आपके हस्बैंड जयदेव जयदेव जी जो बहुत जाने माने डायरेक्टर रहे, और हाउ डिड ही प्रपोज टू यू? क्या आपका डिम्पल देख के प्रपोज किया था या हाउ? सो यू वर्क टुगेदर इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, फिर आपका एक बेटा या है असीम जो अब जी डायरेक्टर है। तो टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली लाइफ, बिकॉज यू हैव बीन वेरी साइलेंट ऑन इट। लोगों ने पूछा नहीं, आप खुद भी थोड़ा रिजर्व है तो नहीं बताती। तो आई जस्ट असल लाइक टू नो। में जयदेव जी और मैं, हम एक ही क्लास में थे नेशनल स्कूल ड्रामा में, और तभी हमारा, क्योंकि मैं पूना से हूँ, वो बंबई से हैं, असल में शुरू तो थोड़ा सा ऐसे हुआ कि जब पहली बार मैं गई तो मैं बहुत साइलेंट रहा करती थी, क्योंकि पुणे में पूरी महाराष्ट्री महाराष्ट्रियन बोलती थी, मराठी बोलती थी, हिंदी की परीक्षाएं मैंने दी थी जो प्राथमिक,
पता नहीं कौन सी वो वर्धा की परीक्षा है वो दी थी मैंने बाकायदा, लेकिन बोलती नहीं थी मैं, बोलने का वो ऐसे प्रैक्टिस भी नहीं थी। पुणे में कौन बोलेगा हिंदी, मैं तो एसपी कॉलेज में वगैरह थी तो महाराष्ट्रियन और मराठी ही इर्द गिर्द लोग थे तो, और अंग्रेजी तो साइंस स्टूडेंट थी तो अंग्रेजी बोलना तो और भी दूर का था, अंग्रेजी भी नहीं ठीक तरह से बोलती थी मैं, और कॉलेज में भी अंग्रेजी में पासिंग मार्क्स मिले तो बहुत हैप्पी होते थे, हाँ अंग्रेजी में पास हो गया, ऐसे था। तो वो भी नहीं बोलती थी तो वहां जाके बहुत साइलेंट रहा करती थी। सिर्फ एक ही था, मुझे पूना में पता चला था कि जयदेव अटंगड़ी नाम का एक लड़का है, वो बम्बई से आने वाला है, वो मराठी शायद जानता है। जयदेव जी मराठी शुरू में बहुत कम, क्योंकि उनकी कोंकणी भाषा है, उनकी एजुकेशन कॉन्वेंट में हुई थी, उनका कॉलेज खालसा कॉलेज था, तो वो अंग्रेजी हिंदी बहुत अच्छा बोलते थे। और मैंने कहा अरे बाप रे, ये एक ही मेरा सहारा था मराठी के लिए, अब मैं क्या करूं ऐसे मेरा पहला रिएक्शन था। लेकिन फिर ऐसे हुआ कि थोड़ी पहचान हुई, फिर फर्स्ट ईयर में ये होता था मेरा कि हमें प्रोजेक्ट्स लिखने होते थे एग्जाम के लिए। हमने कभी 3 घंटे की एग्जाम नहीं दी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये होता था कि हमको एक सब्जेक्ट दिया जाता था, आप उस पे इलाबोरेटली काम करो, आप कहीं से भी कॉपी करो या कहीं पढ़ो या कुछ भी, एक एसे जैसा लॉन्ग एसे उस पे कर लो और वो सबमिट करो, दिए हुए डेट को वो सबमिट करो, और जिस दिन परीक्षा होगी, जिस दिन एग्जाम की डेट होगी, उस दिन स्टाफ और सारे आपके क्लास के स्टूडेंट्स ऐसे सब लोग होंगे, उनके सामने आपके विषय के बारे में बोलो, यानी आप लिखते भी हो और जो लिखा है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप बात कर सकते हो, तभी आप बोल सकते हो, ऐसा वो उसका ढांचा था हमारी एग्जाम का। तो जब नौबत आती थी लिखने की तो मैं तो मराठी में सोचती थी अब मैं कैसे लिखूं, और मराठी में सोच के मैं अंग्रेजी में लिखती थी, तो काफी मराठी का जो हम यानी वहां पे मुझे पता चला कि आप जो सोचते हो वो आप ट्रांसलेट करके लिखते हो, तो वो सही अंग्रेजी नहीं होती थी, वो कुछ गलत अंग्रेजी होती थी, तो वो मैं जयदेव जी को दिखाती थी और वो जयदेव वो उसको करेक्ट, अरे रोहिणी ये ऐसा नहीं कहते यार, ये ऐसा कहते हैं, ऐसे करके वो करेक्ट करते थे उस सेंटेंस को। तो ऐसे हमारी दोस्ती हो गई कि जब भी मैं कुछ लिखती हूँ, लिखा वो जयदेव जी के पास मैं दे देती हूँ, ये करेक्ट करके दो ना, और वो करेक्ट करके मुझे दे देते थे। ये ऐसे हमारा स्टार्ट हुआ। फिर मेरे ख्याल में फर्स्ट ईयर में मैं फर्स्ट, जयदेव सेकेंड एग्जाम में, ऐसे ऐसे हुआ। तो क्योंकि उनकी भी थिएटर बैकग्राउंड थी, वो सत्येंद्र दुबे के साथ काम करते थे उससे पहले, एनएसए आने से पहले। इनफैक्ट दुबे जी ने उनको कहा कि जाओ जरा वहां जाके कुछ करो, कुछ पढ़ो, ऐसे करके उन्होंने बताया था जयदेव जी को। तो उनकी भी थिएटर बैकग्राउंड थी, मेरी भी थिएटर बैकग्राउंड पूना में थी, तो थोड़ा सा वो हुआ एक समझ के इसमें, और फिर दोस्ती हो गई। और प्रपोज तो ऐसे किसी ने किसी को नहीं किया, एक दूसरे ने एक दूसरे को किया, लेकिन बाद में वो बताते थे कि मैं उस मोमेंट का वेट कर रही थी कि आप बताने वाली हैं मुझे। लेकिन वो बाद में कहते थे कि मुझे 3 चीजें अच्छी लगती हैं, कि एक तो डिंपल, एक तो नाक में वो होता है ना, या नाक के छेद में वो डायमंड या जो भी है वो, और पाँव में क्या पायल, ऐसे तो पायल मुझे उन्होंने प्रेजेंट किए थे, मेरे डिंपल्स तो है ही बोला, और शादी के बाद मैंने नाक छिंदवा ली थी शादी के बाद 2 बरस बाद, बोल बोल के वो किया था नाक में वेरी ऐसे। ब्यूटीफुल। फिर
हमारा बेटा भी अभी वो भी हसीन थिएटर, वो भी डायरेक्टर नहीं है, जी वो एक्टर है, एक्टिंग करता है, वो FTI किया है उसने, FTI में कोर्स किया है आफ्टर हिज ग्रेजुएशन। अब और कितनी एज बताओ होगी आपके अभी बेटे की? फिर से यंग, ही इज यंग जी, मैन, तो नॉट यंग, नॉट यंग, ही इज थर्टी इज एट थर्टी नाइन, ही इज मैरिड। थर्टी माय जी डॉटर इन लॉ ऑल्सो, शी इज फ्रॉम द सेम फील्ड यानी, बट शी इज डायरेक्टर, ओके सो अभी तो एसोसिएट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऐसे कर रही है। अभी वो भी राइट काम कर रही है, ये भी काम कर रहा है, इसकी भी अभी एक आ जाएगी मेरे ख्याल में दिसंबर में, शायद एक दिसंबर में OTT प्लेटफॉर्म पे, एक नेटफ्लिक्स पे अच्छा, एक ओ वेरी इंटरेस्टिंग, वेब कोई फिल्म आ रही है, वेरी इंटरेस्टिंग, कौन वेब सी फिल्म है सीरीज क्या आ रही बता है, सकती हैं? ओके वेरी डी नाइस, डी कपल करके एक है, मुझे भी मालूम नहीं क्या है वो, लेकिन डी कपल नाम है उसका, और माधवन के साथ है उनका, तो मैं वो आ आप जाएगी। उससे पहले अभी जी उसने काफी प्लेस किए हैं, नसीर नसीर के साथ भी, नसीर नसरुद्दीन शाह उसके साथ भी प्लेस किए हैं, मकरंद देशपांडे के साथ प्लेस किए हैं, प्लेस तो बहुत सारे किए हैं।